अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके बेटा, आज हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, डर्मेटोलॉजी वाले फर्स्ट लेक्चर को। सर जी, सर आपने वो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड की है या नहीं? नहीं बेटा, मैंने कहा था ये लेक्चर पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद मैं करूंगा, सो सम टाइम दिस वीक इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ओके, कॉमन डर्मेटोलॉजिक टर्म्स। पहले ये अभी ना इसमें इस पूरे के पूरे बाकी लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक टर्म्स करेंगे जो डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड हैं, उन टर्म्स की बेसिक डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स। ज़्यादा जो डिजीज़ प्रॉपर हम पढ़ना शुरू करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्किन की प्रॉपर डिजीज़ देखेंगे, लेकिन फिलहाल वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन the knowledge that will help us understand the next lecture. So common terms जो होती हैं उसमें lichenification है एक term। lichenification का मतलब होता है skin का मोटा हो जाना, ठीक है। इसकी बहुत सारी reasons होती हैं, rub करने से, itching से, इस तरह की चीज़ों से जो है कई दफ़ा skin जो है वो थोड़ी hypertrophy हो जाती है, उसकी वो मोटी हो जाती है, उसको lichenification कहते हैं। अच्छा, क्रस्ट का क्या मतलब होता है? अच्छा, क्रस्ट का मतलब होता है कि अगर बॉडी से कोई फ्लूइड निकल रहा है और वो स्किन के ऊपर जम रहा है और जम के वो खुश्क हो जाए तो दैट इज़ नोन एज द क्रस्ट। इरोजन का मतलब क्या होता है? ये ओ होना चाहिए यहाँ पे। इरोजन का मतलब होता है स्किन का जो एपिथीलियम वाला पार्ट है, यानी कि जो एपिडर्मिस की जो ऊपर की लेयर्स हैं वो अगर टूट जाएँ या कट जाएँ या गिर जाएँ या ख़त्म हो जाए। अल्सर का क्या मतलब होता है? अल्सर का मतलब होता है डीप स्किन का मसला हो, ठीक है। इरोजन थोड़ा सा स्किन का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ऊपर ऊपर से ख़राब हो, अल्सर थोड़ा डीप जाके ख़राब हो, ठीक है। एंड बोथ आर डिस्टर्बेंसेस इन द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन के अंदर कहीं पे भी मसले हो जाएं, वूंड टाइप, वो एग्जैक्ट वूंड नहीं होता लेकिन इट स्टिल कॉजेज प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिंग डिग्रीज। अब अल्सर भी जो होते हैं, जब आप अल्सर्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो अल्सर्स की भी मुख्तलिफ डिग्रीज होती हैं कि कितना बड़ा अल्सर है, कितना डीप जा रहा है, कितना डीप नहीं जा रहा, ठीक है। तो अल्सर इज़ समथिंग लाइक दिस। इफ आई ट्राई एंड ड्रॉ इट फॉर यू, तो ये स्किन है ना मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अल्सर वुड बी लाइक दिस काइंड ऑफ ब्रेक इन द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन, मतलब स्किन यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए थी बट अल्सर जो है वो उसको उसकी इंटेग्रिटी को ख़राब कर देता है। न सिर्फ ये बल्कि द अदर थिंग दैट कुड हैपन इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि ये इतना सुपरफिशियली रहे, ये डीप भी जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट एन अल्सर इज़ बेसिकली लाइक। इरोजन जो है वो बिल्कुल सुपरफिशियल सी होती है, उसका इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, बट स्टिल यू कैन सी इट विद द नेकेड आई एट टाइम्स। एट्रोफी का मतलब तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए आई थिंक जनरल पैथोलॉजी से। एट्रोफी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, लॉस ऑफ फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। नॉर्मली द लॉस ऑफ स्ट्रक्चर इज़ बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनिंग। मिसाल के तौर पर आप मसल्स नहीं यूज़ करते अपने तो स्लोली 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 मसल्स की एट्रोफी हो जाती है। ये वाली कॉन्सेप्ट तो पढ़े होंगे ना, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं कि नहीं? सब पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है। बस ठीक है फिर। स्कार स्कार का मतलब क्या है? स्कार का मतलब स्कार है, स्कार जब स्किन में ट्रॉमा हो कोई या इन्फ्लेमेशन हो और उसके बाद हीलिंग हो तो हीलिंग के बाद वहां पे स्कार बन जाता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा फाइब्रोसिस वगैरह होता है, फाइबर्स आते हैं और वो फिर यू नो स्किन गेट्स अ लिटिल रिंकल्ड, नॉट रिंकल्ड, अ लिटिल टॉट, सख्त हो जाती है स्किन, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत बेसिक सी बातें थी, लेट्स टॉक अबाउट स्किन लीनियंस, प्राइमरी स्किन लीनियंस। क्या क्या नाम होते हैं स्किन के ऊपर जो मुख्तलिफ निशानात आपको नज़र आते हैं, उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? सो अगर गोल फ्लैट चेंज है, नॉन पैल्पेबल का मतलब जिसे आप छू के ये महसूस नहीं कर सकते कि ये ऊपर को उभरी हुई है या नहीं, मतलब आप उसको पैल्पेट नहीं कर सकते, ऐसी फ्लैट लीन और गोल हो और स्किन कलर चेंज हो रहा हो तो या तो वो मैक्यूल हो सकता है या पैच हो सकता है।
मैक्यूल जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है, पैच जो है 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है. मैक्यूल की एग्जाम्पल पिटीकी है. ये पिटीकी एक एक वेस्कुलर लियन की टाइप है जिसमें आपकी कैपिलरीज या आपकी ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं, उनसे अंदर से ब्लीडिंग होती है और वो आपको नज़र आ रहा होता है. ठीक है, तो मैक्यूल जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है, पैच जो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है. मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आपने यहाँ दी है विटिलिगो, विटिलाइगो या विटिलिगो. विटिलिगो इज व्हेन स्किन कलर चेंजेस, वो जो कुछ लोगों का आप देखते होंगे पैचेस में मतलब अगर द पर्सन इज ब्रिटिश तो वाइट वाइट सा हल्का हल्का आपको पैचेस नज़र आते हैं. ठीक है, सो दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड एंड फ्लैट लियन, मैक्यूल एंड पैच. एंड फ़र्क ज़्यादातर बेसिकली इस डायमेंशन का है, कितना कितने सेंटीमीटर हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती. तो मैक्यूल इज शॉर्टर, पैच इज बड़ा. इसके अलावा द अदर काइंड ऑफ इट इज पैल्पेबल सॉलिड मैसेज, मतलब यहाँ पे तो आप हाथ लगाओगे स्किन के ऊपर तो आपको अलग से उभरा हुआ कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर उभरा हुआ कुछ महसूस हो रहा हो तो फिर हमारे पास 3-4 उसके नाम है, पेप्यूल, प्लाक, नोड्यूल एंड व्हील. पेप्यूल जो है वो 0.5 सेंटीमीटर से कम उभरी हुई चीज़ होती है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मोल है, ठीक है, ब्लैक मोल्स वगैरह छोटे से, दैट इज पेप्यूल. प्लाक इज एलिवेटेड बिगर सरफेस, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो और ऊपर को उभरा हुआ हो. नॉर्मली प्लाक डिपोजिशन वगैरह की वजह से होता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं जो कि वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन वगैरह से बन जाते हैं. तो किसी भी सरफेस पे कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही हो और वो सरफेस ऊपर को उठ रही हो और वो 0.5 सेंटीमीटर से बड़ी हो, गोल सी ना हो, बड़ी हो, दैट इज़ नोन एज प्लाक. नोड्यूल जो है दैट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, लेकिन वो पेप्यूल जितना सरफेस पे नहीं होता, वो नीचे डीप भी जा रहा होता है. तो आप अगर स्किन को दबा के देखोगे गोल गोल, आपको पूरा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर महसूस होगा. ठीक है, पेप्यूल से बड़ा होगा, पेप्यूल तो सिर्फ स्किन की सरफेस पे उभरा हुआ होगा. तो इट इज़ बिटवीन 0.5 to 2 सेंटीमीटर. और आमतौर पर नोड्यूल ट्यूमर्स वगैरह जो होते हैं वो नोड्यूल लाइक होते हैं, दे कुड बी बिनाइन और दे कुड बी मेलिग्नेंट. व्हील जो है बेसिकली, व्हील जब स्किन में एडीमा हो जाए, थोड़ा सा पानी वगैरह वहाँ पे निकले और तो थोड़ी फूल जाए, स्किन के अंदर पानी आए फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो इररेगुलर सा सुपरफिशियल एरिया जिसमें आपको महसूस हो रहा होता है कि यहाँ पे स्किन में एडीमा है, दैट इज़ नोन एज व्हील. बेटा आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है, बेटा सबके लिए डिस्टॉर्शन हो रही है, कैन यू गाइज हियर मी और नॉट? नहीं सर, क्लियर है. क्लियर है सर, क्लियर है. अच्छा ठीक है, सो दिस इज अ पेप्यूल, ठीक है, दिस इज अ प्लाक. पेप्यूल 0.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और अगर नोड्यूल हो तो वो कैसा होगा, ये इस तरह से उभरी हुई चीज़ होगी लेकिन वो डीप जा रहा होगा, सिर्फ सरफेस पे नहीं होगा, आपको अगर दोनों साइड से दबा के देखो तो नीचे भी महसूस होगा. ओके सर, हाँ जी सर, पेप्यूल दोबारा बता दें प्लीज. बेटा पेप्यूल इज अ रेज सरफेस, ठीक है, रेज स्किन लियन व्हिच इज अबाउट 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई मोल है या कुछ है, रेज्ड लियंस, ये सारी की सारी रेज्ड लियंस हैं. ये वाली जो है नॉन रेज्ड लियंस है या नॉन पैल्पेबल लियंस है, ये मतलब स्किन की सिर्फ कलर वगैरह चेंज हो रहा है लेकिन स्किन के ऊपर आपको कुछ उभरा हुआ उठा हुआ नहीं नज़र आ रहा या महसूस हो रहा. बट दीज लियंस पेप्यूल, प्लाक, नोड्यूल एंड व्हील, इसमें आपको उभरा हुआ महसूस होगा. इसके अलावा एक और टाइप ऑफ लियन होती है जिसके अंदर फ्लूइड महसूस होता है, आपको ऐसे लगता है जैसे उभरी हुई चीज़ है, एलिवेशन हुई भी है स्किन की, लेकिन उसके अंदर आपको साफ पता चल रहा होता है कि इसके अंदर फ्लूइड जमा हुआ है. यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं जमा हुआ था. उभरी हुई लियन जिसके अंदर फ्लूइड हो उसकी पहली टाइप है वेजिकल. वेजिकल अगेन 0.5 सेंटीमीटर जितना है, उसके अंदर सीरस फ्लूइड जमा हो जाता है. ठीक है, मिसाल के तौर पर हर्पीस सिंप्लेक्स वगैरह का जब इन्फेक्शन होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से, तो वेजिकल्स बन जाते हैं. बुला इज ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर, अगेन फिल्ड ऑफ सीरस फ्लूइड. मिसाल के तौर पे बर्न किसी को हुए हो तो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं या बुलाज बन जाते हैं, जिसे ब्लिस्टर तो खैर छाला होता है. बुला इज मोर काइंड ऑफ लियन व्हिच इज फिल्ड विद फ्लूइड.
pustule is a fluid filled lien, but the fluid here is pus. ठीक है, so there are different types of diseases, impetigo और acne वगैरह में कई दफा pus filled raised lien बन जाती हैं, which are known as pustules. So if you look at these liens, ये nodule है, ये पूरी spherical सी गोल सी है. Cyst एक और lien होती है जिसके अंदर एक कोई चीज फ्लूइड रिलीज करती है और वो फ्लूइड जो है उसके इर्द गिर्द फिर एक कवरिंग बन जाती है. तो वो फ्लूइड पहले फ्लूइड रिलीज होता है, फिर फ्लूइड के इर्द गिर्द कवरिंग बन जाती है. दैट इज काइंड ऑफ नोन एज सिस्ट. अगेन बुला अभी आपको बताया था, सीरस फ्लूइड वाली चीज. बुला और वेजिकल तकरीबन सेम चीजें हैं, लेकिन सिर्फ आपका साइज का डिफरेंस है. वेजिकल छोटा है, बुला बड़ा है. मैक्यूल आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नॉन रेज्ड या नॉन पैल्पेबल स्किन चेंजेस, सर्कमस्क्राइब्ड गोल सी. प्लाक रेज्ड सरफेस, व्हील स्किन का एडीमा, पस्ट्यूल पस फिल्ड. ठीक है, इसके अलावा और स्किन सरफेस अगर टूट जाए या ख़त्म हो जाए, या इफ वी फाइंड क्या उसे कहते हैं स्किन इंटेग्रिटी में कोई मसला हो, तो उसके डिफरेंट टाइप्स हैं. अभी आपको पहले भी बताया था इरोयन, अल्सर डीप होता है. मिसाल के तौर पर अल्सर हर दफ़ा ब्लीड नहीं करता, लेकिन कई दफ़ा ब्लीड भी कर सकता है. वो डिपेंड करता है कितना डीप जाता जा रहा है. मिसाल के तौर पर सिफिलिस में जो सिफिलिक शैंकर्स होते हैं, दे काइंड ऑफ ब्लीड. फिशर जो है वो लीनियर क्रैक होता है स्किन के अंदर. एथलीट्स फुट वगैरह में फिशर्स हो जाते हैं. सो दिस इज अ लीनियर क्रैक. ये अल्सर है और ये इरोयन है जो कि सिर्फ सुपरफिशियल रह रही है. इसके अलावा क्रस्ट एंड स्केल. क्रस्ट क्या होता है? सीरम पस या ब्लड ड्राई होके स्किन के ऊपर पड़ी हो, दैट इज काइंड ऑफ नोन एज क्रस्ट, जो कि इम्पैटिको वगैरह डिजीज में होता है. इम्पैटिको क्या है आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा. स्केल और क्रस्ट में फ़र्क है. स्केल इज अगर आपकी एपिडर्मिस, आपने मिसाल के तौर पे एपिडर्मिस को खुजाया या एचिंग की और उसके बाद वो टूट के ऊपर जमा होना शुरू हो गई. एक्सफोलिएट का मतलब होता है किसी चीज़ का उतर के वहाँ पे गिर जाना, सो शेड करना किसी चीज़ का. सो एपिडर्मिस आपकी उतरी और वहाँ पे जम गई एक तरह से, तो उसका जो पतला सा जमा हुआ पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज स्केल. क्रस्ट जो है बेसिकली वो फ्लूइड टाइप कोई चीज़ है, जो फ्लूइड का रेजिड्यू जो ड्राई होकर जमा हो रहा है. स्केल जो है दैट इज नॉट अ फ्लूइड, इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्किन जो खुद ही कट के ऊपर थोड़ी सी जमा हो रही है. मिसाल के तौर पर डेंड्रफ में आपके स्केल्स होते हैं. ड्राई स्किन हो तो आप अक्सर एचिंग के बाद स्केल्स बन जाते हैं. सोरायसिस इज एन इलनेस जिसके अंदर स्केल्स होते हैं. वो स्किन इटसेल्फ गेट्स शेड एंड वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है हल्की सी. इसके अलावा वेस्कुलर लियंस होती हैं स्किन की, मतलब नीचे से जो कोई ब्लड वेसल जा रही है उसको कोई मसला हुआ तो उसकी वजह से स्किन में आपको लियंस नज़र आने शुरू हो जाती हैं. सो इसमें कौन कौन सी लियंस होती हैं? ब्लड वेसल की वजह से क्या लियन हो सकती है? पिटीकिया एंड परपरा. पिटीकिया अगर अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पिटीकिया का मतलब होता है कि अगर कोई ब्लड वेसल जा रही है स्किन के नीचे, वो टूट जाए और उसके अंदर से ब्लड निकले तो वो पिटीकिया बन जाता है, या परपरा उसे कहते हैं. हल्का सा ऊपर कलर नज़र आता है. एक्मोसिस ब्रूजिंग या नील जो पड़ता है उसे कहते हैं. एंड वेनस स्टार इज जब बड़ी वेन के अंदर छोटी छोटी वेन्स जहाँ पे जा रही होती हैं, ट्रिब्यूटरीज जहाँ पे बड़ी वेन के अंदर ड्रेन कर रही होती हैं, तो अगर वहाँ पे कोई मसला हो जाए, वहाँ पे कोई चोट लग जाए, तो वो एक स्टार लाइक लियन बनती है वो वेन्स के पास. दैट इज़ नोन एज वेनस स्टार. ठीक है, ये आपको स्किन के ऊपर नज़र आती है. नीचे ब्लड वेसल्स में मसले हो रहे होते हैं लेकिन नज़र आपको स्किन के ऊपर आ रहा होगा. ठीक है, सो देयर इज़ दिस पिटीकिया एंड परपरा. नीचे जाते वाली ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं. अक्सर आपको डेंगी वायरस वगैरह जिन लोगों को होता था, जब डेंगी की वबा फैलना शुरू हुई थी, तो पिटीकिया एंड परपरा स्किन पे काफ़ी सारे नज़र आते थे, बिकॉज डेंगी वायरस जो है दैट यूज टू अटैक द इंटेग्रिटी ऑफ ब्लड वेसल्स. एंडोथीलियम पे जाकर अटैक करता था वो. सो पिटीकिया और परपरा वहाँ पर नज़र आते हैं आपको. अच्छा, अब ये लियंस किस शक्ल की हो सकती हैं? सीधी लाइन में हो तो लीनियर, रिंग शेप्ड हो तो एनुलर, आर्च शेप्ड हो तो आर्किफॉर्म, जॉस्टरी फॉर्म अगर एक नर्व रूट के लेवल पे हो, या मिसाल के तौर पर एक डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो जॉस्टरी फॉर्म. इट कम्स फ्रॉम हर्पीस जॉस्टर वायरस, जो कि एक रूट ऑफ
नर्व को जाके पकड़ता होता है नॉर्मली. ग्रुप्ड का मतलब सारी इकट्ठी हैं, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग हैं, कॉन्फ्लुएंट का मतलब है इकट्ठी जा रही हैं और जुड़ सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं. जनरलाइज का मतलब है कि वाइड स्प्रेड, पूरी फैली हुई है. लोकलाइज का मतलब एक छोटे से एरिया के अंदर. अच्छा, अब आपको पता है कैसे चलता है इन सारे एलियंस का बेटा? ऑब्वियसली हिस्ट्री टेकिंग. आप लोगों ने SCP 1 पढ़ लिया हुआ है? यस सर. यस सर. और SCP 2 पढ़ना है अभी? जी सर, अभी उसकी क्लासेस हो रही है. ठीक है. सो हिस्ट्री टेकिंग ऑब्वियसली इंस्पेक्शन देखना होता है, पैल्पेशन. अब हिस्ट्री टेकिंग वाला पार्ट तो आप SCP 1 में कर चुके हो. इंस्पेक्शन और पैल्पेशन इज समथिंग दैट यू आर गोना डू इन SCP 2 बिकॉज़ ये जनरल फिजिकल एग्जाम के अंदर आता है. तो देखें, इंस्पेक्ट का मतलब होता है देखना है, पैल्पेशन का मतलब होता है हाथ लगा के देखना, आंखों से देखना और हाथ लगा के महसूस करना. अच्छा, अब ये देखने से पता चल रहा है कि इसको कोई एलर्जी हुई है. दिस इज बेसिकली एन एलर्जी टू स्टीरॉइड्स, तो ड्रग रिएक्शन है स्टीरॉइड्स का. एंड दिस पेशेंट हैज अ ड्रग रिएक्शन एमॉक्सिसिलिन की वजह से इसको एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस हुआ है. आइटिस तो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन. डर्मेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन. एक्सफोलिएटिव अभी मैंने बताया था, एक्सफोलिएट का मतलब होता है व्हेन समथिंग शेड्स. तो ये एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस इस तरह के स्किन की इन्फ्लेमेशन है जिसमें स्किन उतर के गिर रही है. और ये ड्रग रिएक्शन है एमॉक्सिसिलिन, एक एंटीबायोटिक का. हर्पीज वायरस, उसके अंदर इस तरह के आपके लियंस बनती हैं. सो जब आपने इंस्पेक्ट करना होता है स्किन में तो क्या देखना होता है? जनरल अपीयरेंस आपने देखनी होती है. क्या क्या उसमें कलर नज़र आ जाता है? स्किन लियंस कहीं पे दूर से नज़र आ जाती हैं, वेस्कुलर लियंस वगैरह, वेस्कुलरिटी नज़र आती है, कितनी लाल है स्किन, कितनी नहीं है. उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना ब्लड इसकी स्किन तक पहुँच रहा है. फिर जब आप हाथ लगा के देखते हैं तो स्किन टर्गर नज़र आता है. स्किन टर्गर का मतलब ये है कि कितनी स्किन जो है, स्किन के जो सेल्स हैं वो अपनी इरिडिटी कितनी मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल एनवायरनमेंट. फिर मोबिलिटी, कि स्किन बहुत रिंकली है एज की वजह से, बहुत ज़्यादा मोबाइल है या क्या है उसका. पॉसिबल एडिमा, स्किन के अंदर कोई एडिमा है. टेम्परेचर कितना है स्किन का, पेल्पेट करके महसूस होगा. मॉइस्चर तो नहीं है, ड्राइनेस तो नहीं है, ऑयलीनेस तो नहीं है, पेन तो नहीं हो रही टच करने से. और स्किन है कैसी, स्मूथ है या रफ है. तो ये आपको पता चल जाता है इससे, देखने से या महसूस करने से. अच्छा, इसके अलावा कलर चेंजेस कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं जब आप देखते हैं? या तो ज़्यादा गहरा कलर हो सकता है, या कम गहरा हो सकता है, या कलर ख़त्म हो सकता है. ठीक है, रेडनेस जैसे मिसाल के तौर पे है वो अल्कोहल इनटेक में होती है, फीवर की वजह से होती है, या किसी भी वजह से लोकल इन्फ्लेमेशन हो रही हो और ब्लड फ्लो उस पार्ट ऑफ स्किन में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से. फिर ब्लूइश कलर जो है वो साइनोसिस वगैरह की वजह से होता है, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए किसी भी वजह से. मिसाल के तौर पे ज़्यादातर होता है हार्ट और लंग डिजीज़ की वजह से, या ठंड की वजह से, या डर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, तो साइनोसिस हो जाता है. ठीक है, ब्लू कलर आ जाता है. फिर येलो कलर जॉन्डिस की वजह से होता है. जॉन्डिस में सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाती है, एंड जॉन्डिस नॉर्मली हैपेंस ड्यू टू लिवर डिजीज़. एक्सक्यूज मी. सो सीरम बिलिरुबिन, जॉन्डिस इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम. ये याद रखिएगा, लिवर की कोई भी डिजीज हो, हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस हो, उनकी वजह से सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाए, क्योंकि रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, हेमोलिसिस हो रहा होता है, तो उससे येलो स्किन हो जाती है. या यूरेमिया जिसे रीनल फेलियर कहते हैं, उसमें भी स्किन येलो होना शुरू हो जाती है. ब्राउन कलर की स्किन एडिसन्स डिजीज में होती है, क्योंकि कॉर्टिसोल कम हो जाता है. जब कॉर्टिसोल कम होता है तो मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है थ्रू द फीडबैक लूप. फिर इसके अलावा बर्थ मार्क्स वगैरह ब्राउन कलर के हो सकते हैं. क्लोएज्मा ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होती हैं फेस के ऊपर, ब्राउनिश से कलर चेंजेस आ जाती हैं, और सन एक्सपोजर की वजह से भी. फिर पेल स्किन कब होती है, एल्बिनिज्म में या विटिलाइगो में. एल्ब्यूनिज्म नहीं होता, ये आई होना चाहिए, एल्बिनिज्म एंड विटिलाइगो. एल्बिनिज्म जब बिल्कुल ही मेलानिन की पिगमेंट ना हो, जब लोग कुछ यंग एज में लोग बहुत बहुत गोरे नज़र आ रहे होते हैं, जिनकी जो आपकी इवन आईब्रोज भी जो होती हैं उनकी वो वाइटिश सी होती हैं, those people are known as suffering from albinism, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन बिल्कुल होती नहीं है. और विटिलाइगो में मेलानोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है कुछ गोल गोल से एरियाज में स्किन की, जैसे अभी आपको पहले बताया था और आगे ये पिक्चर भी आ गई है. तो जहाँ पे मेलानोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए वो एरिया सारा का सारा वाइट हो जाता है और पैचेज में आपको नजर आती है. अच्छा, अब ये मेलानोमा है. मेलानोमा इज अ स्किन ट्यूमर, मेलानिन की वजह से बन रहा है. दिस इज फॉलिकुलाइटिस, हेयर फॉलिकल के अंदर बीच में
इन्फेक्शन हो रहा है और ये पस्ट्यूल्स बन रही है, ठीक है. एंड दिस इज चिकन पॉक्स, ये ऑर्लियंस है, इंग्रीडियंट्स को पहले हम देख चुके हैं ऑलरेडी. दिस इज अगेन पस्ट्यूल फॉर्मिंग, बन रही है अभी ये पस्ट्यूल. दिस लुक्स लाइक वेजिकल्स, दिस इज अ ग्रुप क्लस्टर्ड पस्ट्यूल्स, दिस ऑल्सो लुक्स लाइक वेजिकल और बुल्ला मे बी. एंड नाउ दीज आर, ये जो रिंग फॉर्म की स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्म में जो एलियंस हैं, दीज आर मोस्टली आई गेस फंगल नियंस. फंगल नियंस अक्सर रिंग फॉर्म की उसमें होती हैं. दिस इज ईदर सोरायसिस, क्योंकि एक्सफोलिएटिव स्किन लग रही है, ये स्केल्स लग रहे हैं, और इट इज प्लाक. बट ये इतना रेज नहीं लग रहा एरिया स्किन का, तो इट लुक्स लाइक इट्स सोरायसिस. ये अल्सर है, ठीक है. और ये अल्सर में अगर पस जमा हो जाए, ये भी थोड़ा सा साफ है, अगर इसके अंदर पस जमा हो जाए तो दैट इज इन्फेक्टेड अल्सर. अगेन पिटीकिया एंड पर्परा, दिस लुक्स लाइक अ बुला. अच्छा, और आप कैसे स्किन की इलनेसेस को डायग्नोज कर सकते हैं? बायोप्सी करके. सो बायोप्सी क्या होती है? यू हैव टू रिमूव अ पार्ट ऑफ टिशू, अ पार्ट ऑफ स्किन टिशू बाय शेविंग, ठीक है, या पंच करके, या एक्सरसाइज करके. मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, डिपेंड करती है कितनी डीप लीन है, कितनी सुपरफिशियल लीन है. तो उस लिहाज से आप स्किन का उतना हिस्सा या स्किन का उतना टिश्यू रिमूव करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें. तो जब आप हिस्टोपैथोलॉजी वाले नॉलेज के साथ उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आया ये कैंसर तो नहीं है या कोई और मसला है, तो आपको आइडिया हो जाएगा. तो बायोप्सी ये होती है. पैच टेस्टिंग, मिसाल की पैच टेस्टिंग होती है कि हल्का सा एलर्जी फिगर आउट करने के लिए पेशेंट को हल्का सा एरिया में वो चीज़ लगा के देखें कि पता चल जाए कि इसको एलर्जी तो नहीं है. कोई मिसाल के तौर पे कुछ ट्यूब्स हैं या कुछ क्या मैं उसे कहूँ, आप मतलब इवन एट टाइम्स ये भी होता है कि कोई एंटीबायोटिक वगैरह का आपने देखना हो कि इसका रिएक्शन तो नहीं आता, हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है ये, तो आप वो हल्के से एरिया में, हल्के से पैच में चेक करके देखते हैं स्किन के ऊपर लगा के कि इसको एलर्जी तो नहीं होती. अगर उतने एरिया में, हल्की सी छोटे से एरिया में आपको एलर्जी नज़र आना शुरू हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन नज़र आना शुरू हो जाए, तो आप उसको मिसाल के तौर पे वो दवाई नहीं देंगे या वो ड्रग नहीं देंगे, ठीक है. तो उसको पैच टेस्टिंग कहते हैं. इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट होता है, ये अगर स्किन के ऊपर फंगस वाला इन्फेक्शन हो जाए तो उससे आप, इससे हेल्प मिलती है डायग्नोज करने में उसे. इसके अलावा ग्राम स्टेन एंड कल्चर, ग्राम स्टेनिंग का आपको आइडिया होगा. आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई अभी तक? सर पढ़े हैं, पढ़े हैं. सो ग्राम स्टेनिंग का तो फिर आपका आइडिया हो चुका होगा. ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा. सो अगर आपने किसी स्किन पे आपको इन्फेक्शन नजर आ रहा है और आप देखना चाह रहे हो कि ये किस तरह का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, तो आप ग्राम स्टेनिंग करके देख सकते हैं और कल्चर करके देख सकते हैं उसे. फिर जब ग्राम स्टेनिंग और कल्चर करके ऑर्गेनिज्म पकड़ा जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर आप उस लिहाज से उसको ड्रग दे सकते हैं जो उस पर इम्पैक्ट करेगी सही तरह से. एक और चीज़ होती है स्लिट स्किन स्मेयर. नाउ दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो लेप्रोसी एक बीमारी होती है, उसके बैक्टीरिया को फिगर आउट करने के लिए ये एक स्पेशल टेक्निक वाला टेस्ट होता है, जिसकी डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त. अच्छा, अब मेन स्किन डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? इन डिसऑर्डर्स को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे. सो जो मेन स्किन डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन, स्किन की इन्फ्लेमेशन वाले या एलर्जी वाले डिसऑर्डर्स, उनमें एक्नी आ जाता है, सोरायसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं स्किन के, जिसके अंदर एम्पैटिगो, बॉयल या फरंकल जिसे कहते हैं, कार्बंकल, यू होना चाहिए यहाँ पे, कार्बंकल एंड सेलुलाइटिस. फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कैनिडायसिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया पेरिस वगैरह. फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हर्पीस ज़ोस्टर, हर्पीस सिंप्लेक्स और वार्ट्स. ये हैं क्या क्या चीज़ें, इनकी डिटेल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है. सो बेसिकली फ़िलहाल आपको एलर्जिक डिसऑर्डर ज़्यादातर या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर बताए हैं, और उसके अलावा बड़े बड़े जो इन्फेक्शंस बताए हैं, ठीक है. इन्फेक्शंस की फिर आगे टाइप्स हैं, बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल, ठीक है. सो जब भी आप इलनेसेस करते हैं किसी भी सिस्टम की, यहाँ पे जैसे स्किन का सिस्टम है या इंटेगमेंट्री सिस्टम है,
इलनेसेस में आपको बीमारियां की बीमारियां जो है वो 5-6 हेडिंग्स के अंदर अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। एक तो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी इलनेसेस हो सकती हैं, क्रॉनिक इलनेसेस जिसे कहते हैं, एलर्जिक हो सकती हैं, ऑटो इम्यून हो सकती हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं, फिर उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 हर सिस्टम के अंदर जितने भी आप सिस्टम्स करोगे, जो सिस्टम की बीमारियां होती हैं वो बेसिकली इन 5-6 टाइप्स की, या अगर आप ज़्यादा और डालना चाहते हैं मेटाबॉलिक इलनेसेज आ सकती हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेज आ सकते हैं, एंडोक्राइन मसले आ सकते हैं हर सिस्टम के, तो वो मसले हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीमारियां नहीं होती, सारे के सारे सिस्टम्स में इन 5-6 हेडिंग्स के अंदर बीमारियां आ जाएंगी। जब ये अभी मैं आगे सही तरह से सिस्टम करवाना शुरू करूंगा तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला उसकी डिटेल में बताऊंगा कि क्या मतलब होता है इसका, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जी पूछिए। फेस जो है लॉस ऑफ स्किन सरफेस में है फियर, तो इसका क्या मतलब है? फिशर का मतलब एक कट लग रहा है, सीधा सीधा कट, ये फिशर है। अल्सर जो है वो एक डीप लीन है, इरोजन जो है वो थोड़ी सुपरफिशियल लीन है, ब्रेक इन द स्किन, ब्रेक इन द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन। अब स्किन के अंदर एक ब्रेक आ रही है, वो ब्रेक किस तरह की आ रही है? वो ब्रेक अगर सिर्फ सुपरफिशियल है छोटी सी तो दैट इज इरोजन, वो अगर डीप जा रही है तो दैट इज अल्सर, और अगर वो सीधी कट की तरह की है तो दैट इज फिशर, ठीक है। फिशर जो है वो डीप में जाएगा ना के एपिडर्मिस तक रहेगा? फिशर डीप जाता है, फिशर थोड़ा डीप जाता है, फिशर जनरली ब्लीड करता है, एपिडर्मिस तक रहे तो इतनी ब्लीडिंग नहीं होगी। अल्सर भी, अल्सर जरूरी नहीं है कि वो डीप जाए, फिशर भी बहुत डीप जाना जरूरी नहीं है, हल्का सा डीप जाता है। अल्सर जो है दैट डिपेंड्स, अल्सर डीप भी जा सकता है और अल्सर थोड़ा सुपरफिशियल भी जा सकता है, वो जितना डीप जाता जाता है उतना मसला होता जाता है। इरोजन हमेशा सुपरफिशियल रहती है, वो इतना डीप जाती नहीं है। ठीक है, वी आर डन विद दिस लेक्चर। आई होप के कुछ कुछ समझ आ गई होगी तुम लोगों को, अगर नहीं आई तो फिर हम देख लेंगे। बेटा मई के एंड पे आपका पहला क्विज होगा, समय अराउंड द एंड ऑफ मई, होपफुली हम उस वक्त तक तकरीबन 10 लेक्चर्स कर चुके होंगे। सो आफ्टर द 10 लेक्चर्स यू विल हैव योर फर्स्ट क्विज। सर लेक्चर एंड रिकॉर्डिंग्स कब तक अपलोड होंगी? बेटा इन अ वीक और सो, जो और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो आई विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल बट इट विल टेक जनरली अ वीक। ओके, तो सर हमने इनकी ट्रीटमेंट नहीं पढ़ने? ट्रीटमेंट अभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ने, ट्रीटमेंट आप मेडिसिन वगैरह में करते हो, अभी ट्रीटमेंट नहीं करनी। फार्माकोलॉजी पढ़ ली है पूरी? सर फार्माकोलॉजी 2 पढ़े, फार्मा 2 पढ़ रहे हैं ना, तो फार्मा में ट्रीटमेंट पढ़ लेना अच्छी तरह से। यहाँ पे फिलहाल इलनेस पढ़नी है, बीमारी पढ़नी है डिटेल में, ट्रीटमेंट जहाँ पे जरूरी हुई वो आपको बता दूंगा। सर आपको मेल की थी फर्स्ट डे की अटेंडेंस, ठीक है। और टेस्ट आपने बताया था अंदर, सर उसकी क्या, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? किस चीज का? सर सिस्ट का जो बताया था मुझे, स्किन लेयर का। बेटा सिस्ट की ट्रीटमेंट में ये होता है कि आपने उसको डिपेंड करता है, एक तो वो तंग कितना कर रही है, कई दफ़ा कुछ लोगों की सिस्ट हल्की हल्की छोटी सी बनी रहती है, स्किन के नीचे होती है, वो कुछ भी तंग नहीं करती, तो अगर वो तंग नहीं कर रही, बस हल्का सा कभी कभी महसूस हो जाता है और ज़्यादा महसूस भी नहीं हो रहा, वो ग्रो भी नहीं कर रही, इनफेक्ट नहीं हो रही, तो फिर आपने उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो ग्रो कर जाए और बार बार इन्फेक्शन लेके आए और मसला क्रिएट करे, तो फिर उस सिस्ट को एक्साइज कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं। अक्सर सिस्ट बिनाइन होती हैं, वो बिल्कुल तंग नहीं करती, लेकिन अगर ग्रो करी जा रही है और इन्फेक्शस हो रही है, तो फिर आप उसको सर्जरी करके निकाल दो, दैट्स द ओनली वे। ओके सर। चलिए ठीक है बेटा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।